गांधी की तारीफ करते नजर आए पाकिस्तान के पूर्व मंत्री। बीजेपी ने खड़े किए सवाल। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी के भाषण से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और राहुल गांधी की तारीफ की। बीजेपी ने सवाल किया। फवाद चौधरी ने लिखा था, राहुल ऑन फायर। वीडियो में राहुल गांधी कह रहे हैं, बीजेपी के राम मंदिर के उद्घाटन में किसी गरीब व्यक्ति का चेहरा नहीं दिखा, इसमें अंबानी, अडानी, अमिताभ बच्चन और प्रधानमंत्री मोदी दिखे। चुनाव आयोग ने बीआरएस चीफ और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने से बैन कर दिया है। चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन करने के बाद यह निर्णय लिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ममता के विरोध में बीजेपी को वोट देने की बात कह गए। पश्चिम बंगाल के जंगीपुर लोकसभा सीट पर लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार मुर्तजा हुसैन के लिए वोट मांगने के दौरान उन्होंने कहा कि टीएमसी को वोट देने से अच्छा है कि बीजेपी को दे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुबली में नेहा हिरेमत के माता पिता से मुलाकात की। बता दें कि नेहा हिरेमत की 18 अप्रैल को उसके कॉलेज परिसर में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। चुनावी जोड़तोड़ के बीच तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा के पूर्व सांसद कुणाल घोष को तगड़ा झटका दिया। दरअसल टीएमसी ने कुणाल घोष को राज्य संगठन के महासचिव पद से हटा दिया। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि कुणाल घोष के विचार पार्टी से मेल नहीं खाते, इसलिए हम उन्हें महासचिव पद से हटा रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ मारा गया है। खबरों के मुताबिक अमेरिका में गोल्डी बराड़ को उसके घर के बाहर गोलियों से भून दिया गया। गोल्डी बराड़ के मर्डर की जिम्मेदारी गैंगस्टर अर्श डल्ला और लखबीर ने ली है। पश्चिम बंगाल में 10वीं के स्टूडेंट्स को अब रिजल्ट का इंतजार नहीं करना होगा। पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आज 10वीं का रिजल्ट जारी कर देगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर बनने के बाद पहली बार अयोध्या पहुंची। यहां महामहिम ने राम लला के दर्शन किए। गर्भगृह में उन्होंने श्री राम के बाल रूप की पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या धाम पहुंची। सबसे पहले राष्ट्रपति ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किए। यहां उन्हें पुजारी राजू दास ने चांदी की गदा, चांदी के राम दरबार और गाय का प्रतिरूप भेंट किया।